आपके यहाँ के अवधेश प्रेमी है, जाकर पूछो क्या कहता है। अवधेश प्रेमी को जितना गाली मिला है ना, अभी क्या वो पिटता हुआ स्टेज पर भी पिटाया था। दार बचा बा होटलाली से रोटी बोर का गाना ठीक है, खेसारी होटलाली के रोटी बोर के सनसन पता है तुमको, आपको समझ में आता है उसका मतलब? सब समझ में सब आता है, आज एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज पूरी पब्लिक खड़ी है सर। अब अच्छा गाना गया, अच्छे सिंगर है सर, वहाँ कुर्सी टूटी झगड़ा हुआ था ना सर, ये तो बात सही है सर। हुआ आपको पता होना चाहिए, आप किसी आस्था को इस टाइप की आस्था से जोड़कर किसी को आप बदनाम करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है मेरा जहाँ तक मानना। अच्छा सर, ये होटलाली से रोटी बोर के किसी सिंगर का आप लोग क्या बना दे, क्या मजाक बना के रखे हैं सर? किसी को कुछ भी बोल देंगे, ये सोशल मीडिया है तो किसी को कुछ भी बोल देंगे। आप कुछ भी गा दीजिएगा सर, होटलाली से रोटी बोर का जो सिंगर गाया उसका नाम उठा के गाया। होटलाली से रोटी बोर का मतलब क्या है? तनी जाए से पहले खाला एक पति एगो चुम्मा लेला राजा जी बन जाए जतरा, आपने गाना सुना था? सुना था सर, भारत शर्मा का गाना सुना था? सुना था सर। क्या गाना था वो? क्या गाना था? ठीक है, चुम्मा ये होटलाली से रोटी बोर का मुझे मतलब समझ ना सर। होटलाली और एक मैं तो होटलाली से रोटी बोर की बात ही अगर वो कह दिया कि होटलाली से रोटी बोर के खा ला, और वो भी सर एक खा लो होटलाली से रोटी, लेकिन यहाँ तक ये गाया गया भोजपुरी में कि वो चुम्मा ले ला राजा जी, और चुम्मा कैसे भरत शर्मा जी ने ये गाना गाया था कि पाई गनी हो हम सिपाही में नौकरी, बाया गल के चुम्मा ले सद गेल गुड़िया। भैया उसको सुधारना मत चलिए आपको, भैया एक छोटा सिंगर गलती करता है कि होटलाली से रोटी बोर के, आपको उसको डांटना चाहिए कि बाबू ये मत गाओ गलत हो रहा है, आप वही उठाया गा देते हैं। कोई नया सिंगर नहीं, नया सिंगर का कोई गाना, मैं आपका गाना सुनता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। भजन गाया सुना है अपने, मेरा भजन सुनते हैं। राम ने बिगड़ी होकर के बिगाड़ी हूँ एकदम सुना हूँ मैं। हाँ तो ठीक है ना, तो आप वैसे सिंगर है सर, आप मतलब आप 25 करोड़ भोजपुरियों के मतलब दिल में रहते हैं भाई। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए यार, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ यार। सर आपके पीछे आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या? सबके सब नागा के मेरे पीछे, अभी राजकुमार पांडे की फिल्म में है कि पांडे जी का बेटा हूँ, मच मच के लेता हूँ, वो दिखाई नहीं दिया आपको? दिखाई दे रहा है सर, देखिए उसमें कितना बॉल हो रहा है, वो देखिए अभी चल रहा है। आपने देखा है ना? हाँ, मैंने देखा है, और देखिए उसे उस पे बोले हो आप एकदम पांडे, आप बॉम्बे शहर में रहते हो, आप न्यूज बनाते हो, राजकुमार पांडे के लिए आपने क्या बोला है, कुछ बोला है एकदम सर? अभी देखिए चल रहा है, पांडे जी का बेटा आपको कुछ दिन में सुनने को मिलेगा, कुछ दिन में सुनने को मिलेगा यार। क्या अच्छा, 4 साल पहले की गाना उठलाली से रोटी बोर के तुम आप लेकर उसको उठ गए हो यार, 4 साल इतने दिन से सोए थे क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, आप 4 साल पहले का गाना है वो खेसारी भैया, वो एक सिंगर का गाना था। गलत होता तो सेंसर पास ही नहीं करता यार सर, सेंसर में पास होता वो तो गाना किसी और का था। ठीक है, मैंने वो सिनेमा का गाना है आप डाले बाद में, गाना डाले फिल्म में डाले बाद में डाले होगी, पर जो भी डाला लेकिन वो गाना दूसरे सिंगर का है ना, उसको आपको डालना क्या भी था यार, आप पहले उसका गाना सुनो मेरा गाना सुनो। नहीं ठीक है, लेकिन खेसारी भैया आप ये रियलाइज कीजिए कि भोजपुरी में अश्लीलता बंद होनी चाहिए। देखो भाई मैं गलत करता हूँ, समझ नहीं है कोई भी करता हूँ, सुन लो मेरी बात, पहले आपको बताता हूँ, मैं एक औरत की दर्द गाता हूँ, मैं ब्याह गाता हूँ, आप जितना मेरा गाना सुनोगे सही अरब के लिए सना लेके दुनिया जितना भी गाना है भाई मेरे, ए माई हमारा के नैहर बोला ले हमरो मरद अभी बाचा बा, अगर वो अपने पति के बारे में बोलते कि बहुत नादान है तो उसमें कौन सा गलत है यार? डबल मीनिंग गाने हो रहे हैं ना, डबल मीनिंग है। आप मोतिहारी से है ना, आपके यहाँ के अवधेश प्रेमी है, जाकर पूछो क्या कहता है। अवधेश प्रेमी को जितना गाली मिला है ना, अभी क्या वो पिटता हुआ स्टेज पर भी पिटाया था। आपके साथ मेरे भाई, मेरे भाई आपका अपने पाँव पड़ता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप आपके साथ किसी को जोड़कर बदनाम मत करिए। आप देखिए भगवान शंकर भोलेनाथ देख रहे हैं, मैं उस स्टेज पे गया और लोगों को समझाने का काम किया यार, मैं तो गाया तक नहीं। खेसारी भैया आप एक आइडियल हैं, ठीक है, आइडियल है तो आइडियल को तुम आप लोग ऐसे ही करोगे? नहीं आपसे कोई प्रश्न करोगे? मैं उसे पे मरा था, अभी बादशाह का गाना गया था, होटलाली से रोटी बोर के गाने गया था। आप जो भी देखिए, मैं आस्था में गया हूँ, मैं भगवान शंकर के दरबार में गया हूँ, और मैं इस सब टाइप का गाना गाने जाऊंगा? मेरे गाने का मौका तक नहीं मिला यार, उससे पहले हंगामा हो गई थी। ये वीडियो आप और भी चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे वहाँ भी देखिए, ठीक है, पर्सनल मुझे कॉल किया, ठीक है, लेकिन आप क्या है ना कि आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो अश्लील फैला एक आप ही नहीं, जो भी हो अवधेश प्रेमी को जितना गाली मिलता है ना, नंबर बंद कर देता है, 2 दिन पड़ चुकी है। मैं दुनिया की बातें नहीं जान रहा हूँ भाई मेरे, आपने आस्था के साथ मुझे क्यों जोड़ा? आप ये गलत सोच रहे हैं कि इसी बात के पीछे कोई पड़ा हुआ है, ये गलत है, ठीक है, ऐसा आप नहीं है। वो हंगामा हुआ किस वजह से हुआ आपको पता है? खेसारी के स्टेज पे नाच चढ़ने की वजह से हंगामा हुआ, आपको पता है कि नहीं?
आप सुनिए ना, और सुनो भाई मेरे सुनो, अगर खेसारी की दुश्मन इतनी पब्लिक होती ना तो 2.5 लाख पब्लिक वहाँ नहीं आती। एकदम है आपकी तो फैन फॉलोइंग आपकी बहुत। हाँ, तो अगर मुझे पब्लिक मुझे जूता मारने के लिए 2.5 लाख पब्लिक आती है क्या, किसी को जूता मारने के लिए? पब्लिक अश्लीलता को जूता मारने, ना कि खेसारी पवन जी और अश्लीलता के लिए। कोई आस्था पे जाके कोई दुनिया का कोई भी गंदा आदमी होगा ना यार, अगर आप मुझे गंदा भी मानते हो ना। और मैं गंदा नहीं कर सकता, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता यार, जो गंदा करता है वो भी नहीं करेगा। और आप वीडियो इस टाइप की बनाए हो? अच्छा सुनिए, ये एक ही चैनल पर नहीं है, और भी चैनल पे आप उस वीडियो को देखिए, उसने आपने लूट किया है ना। हाँ आपने लूट किया है। अरे यार एक ही नहीं है, 10 मतलब मेरे से पहले कितना, 1.5 लाख लोग दूसरे चैनल पे है, टीवी है, बहुत सारे चैनल है। ठीक है, आपको पर्सनल दुश्मनी अगर मेरे से है तो आप कहो, मैं आपसे ये गलत सोच रहे हैं खेसारी जी, आप गलत सोच रहे हैं कि आपके पर्सनल भोजपुरी को सुधारने चले हैं ना, तो एक्सटेंशन कोड भी लगा दीजिए। मैं एक टीका थोड़ी लिया हूँ कि खेसारी जी गलत है बाकी लोग सही है, ऐसा थोड़ी है। आपने खेसारी का ही नाम लिया है ना? नहीं, उस स्टेज पे आप थे वहाँ पर आप गए थे, आपका पर्सनल देखिए, आपका ही नाम नहीं, राकेश जी का भी नाम है उसमें, सबका नाम है यार, सारे लोग, राकेश जी हो चाहे रितेश जी हो चाहे मनोज जी हैं, सब लोग आस्था के लिए गए थे यार, और वो टीवी चैनल का शो था, टीवी चैनल पे कोई इस टाइप की हरकतें नहीं करेगा यार। लेकिन खेसारी भैया ये जो अभी गाने डबल मीनिंग बोले वो गलत है भैया, आप ये क्यों? कौन सा डबल मीनिंग का गाना है मुझे बताओ ना यार। अब ये उठलाने वाला है, बता बता बताओ, सुनते हो भोजपुरी का मतलब समझ में आता है? जाकर परदेश बलम हुआ, छोड़ के अपन देश बलम हुआ। अरे आपका गाना वो भी है जेकर राम ने बिगड़ी है और लोग का बिगड़ी, उसमें कोई उंगली उठाएगा क्या? नजर में नहीं है, उसमें कोई उंगली उठाएगा क्या? वो नजर में है कि नहीं आपके? एकदम नजर में है, है ना? है तो अच्छा भी करता है आदमी। हाँ एकदम अच्छा करते हैं आपका तो वो है। सुनो भाई सुनो, जो संगीत लाइन है ना, संगीत लाइन है ना, वो बहुत तरीके के लोग होते हैं इस धरती पे, आपके परिवार में भी बहुत टाइप के लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो कुछ लोग किसी को मानते हैं, तो कुछ लोग किसी को मानते हैं। सारे भी एक बात बताइए, और किसी के मन में नहीं बसे हैं हम। खेसारी भैया आप एक बात बताइए, आप क्या नहीं चाहते हैं कि घर में आज लोग फैमिली के साथ टीवी चैनल बैठ के देखे, भोजपुरी चैनल हिंदी नहीं देखे? अरे यार मास्टर के मास्टर, एक मास्टर जो शिक्षक है ना, उसके बेटे के बारात में जाकर समायना के चौक बसता है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो बजाने? वहाँ थोड़ा उस मास्टर को कि नहीं बजाए, नहीं नहीं बजाएगा। अरे यार किस बात को तुम लोग ईगो बना रहे यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो लड़का नहीं रोता वो दूध नहीं पीता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं चाहते कि भोजपुरी घर घर में बजे, लोग फैमिली के साथ बैठ के भोजपुरी देखे? बात बताए, सबसे ज्यादा घर में बजने वाला खेसारी लाल यादव ही है, आपका दीदी की औरतों का पसंद पूछो तो खेसारी लाल यादव है, अगर अश्लीलता होता तो औरतें मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन एक बात बताए, आपके भी बहुत सारे गाने हैं जो टीवी पर आ जाते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं ना, तो आओ क्लास ले लो मेरे से, मैं बताता हूँ। भैया आपके भी गाने हैं ना जो टीवी पर आ जाते हैं तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं? अच्छा तुम आप जाते हो देखने के लिए, चैनल चेंज कर रहे हैं? मतलब घर में चलता है तो, जैसे कि बहुत सारे जैसे ये ओटलाली वाला बता ओटलाली से रोटी बोलता, मतलब बताओ ना मुझे, आप कभी शादी ब्याह में गए हो? अरे डबल ब्याह में गए हो? मैं क्या सब सुनो, मेरे भाई शादी ब्याह में कभी गए हो? अपने बहन का शादी किए हो, बेटी का शादी किए हो? हम लोग किए हैं। हाँ एकदम किया है ना। हाँ। खुलेआम माइक में लड़की हमारी माँ बहन की गाली देकर अस्थिर हो जाती हैं, वो सुनते हो? वो सुनते हैं लेकिन बताकर गाली देती हैं, वो अलग चीज हो गया, आपकी अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया खेसारी जी, वो अलग चीज हो गया यार, वो भोजपुरी से अलग है। नहीं नहीं तो वो तो शादी ब्याह बताओ ना, आप क्लियर करो ना, भोजपुरी की बातें करते हो मतलब, लेकिन ये ठीक है, आपने समाज सुधारने के लिए क्या किया है मुझे बताओगे? हेलो, हाँ समाज सुधारने के लिए क्या किया है अपने जीवन में? भोजपुरी चैनल नहीं चलते हम लोग, गंदे गाने नहीं सुनते हैं, खत्म। नहीं सुनते हो ना? नहीं नहीं तो आपने भोजपुरी के लिए क्या किया है मुझे बताओ ना, क्लियर करो ना। आप कर रहे हैं ना भोजपुरी के लिए? भाई एक बात बताऊं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या आप लोगों की? आप लोग जब हम अच्छे करते हैं ना तो उसका बढ़ावा आप नहीं देते हो, उसके लिए 25 जगह नहीं बोलोगे, ठीक है? किसे किसे? जब आदमी अच्छा करता है ना तो उसके लिए बढ़ावा आप नहीं दोगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं देते हो ऐसा, ये गलत बात है खेसारी जी। तो आप अच्छा क्यों नहीं बोले उसमें? आप मेरी क्यों, उन्होंने ये भी गाना गाया था राम ना बिगड़ियों करके, आप मेरी पोस्ट देखिएगा, आपके दुल्हन गंगा पार का मेरा पोस्ट खुलिएगा,
फेसबुक पेज से खुलेगा, आपके दुल्हन गंगा पार का कौन ऐसा दिन है जिसमें पोस्ट नहीं डालते हैं, और जो आपका फिल्म का कलेक्शन डाले थे कि इतना ओपनिंग लगा हुआ है, इतना ओपनिंग लगा हुआ है कलेक्शन, सुनिए सुनिए कमेंट करके बोले बाबा के नाम पे बाबा आपके आपको इस टाइप की हरकत, किसी को दोषी मत बनाओ, उस धरती को दोषी मत बनाओ यार। भोजपुरी को भी तो बचा लीजिए आप लोग, धरती को दोषी मत करो जिस धरती के लिए तुमने ये इंटरव्यू लिया है। नहीं भोजपुरी जो चल रहा है वो ठीक है, जो भी है ये बहुत सुधारक हुए हैं, सुधारक आप अच्छे भी जा सकते हैं, आपके बहुत आप अच्छे गई है ना, लुलिया के बारात में ही के कंपनी है, लुलिया के बारात में हमारे कंपनी का नहीं है, कोई नहीं यार, तुम क्या करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी के आस्था के नाम पे हम क्या, अगर मैं वहाँ का वीडियो निकाल दूं और तुमको तुम्हारे अंदर अगर कैश कष्ट हो तो बता दो कि वीडियो वहाँ का निकाल कर और तुम्हें बताऊं कि मैंने वहाँ क्या किया था, तो क्या करोगे तुम? नहीं मेरी बात सुनिए, मैं क्या करता हूँ आप बोले ना, तो मैं आज भोजपुरी के खेसारी लाल यादव है, पवन सिंह है, आपके दिनेश लाल जी है, और ये राजेश पंत सब लोग है, उन स्टार जो भोजपुरी के सिरमौर है, अगर ये सही है कि आप लोग हैं, आप लोग से भोजपुरी है ठीक है, ये आपने एक भी बोला था कि मेरे लिए भोजपुरी गलत है, नहीं नहीं सुनो सुनो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई सुनो भाई मेरे, कभी कभी ना जब अच्छा इंसान करता है ना तो अच्छा भी छाप दिया करो, एकदम छापते हैं आप, तुम जिस बात की बात कर रहे हो ना, हमें भी माँ बहन का चिंता होता है, शायद उतनी राखी तुम नहीं बनवाते होगे जितना मैं बनवाता हूँ, रक्षाबंधन में कम से कम लाखों बहनों से राखी खेसारी लाल यादव बनवाता है, अब बड़े हैं आपको लाखों फॉलोअर, ये सब दिन ये सब किसी को आस्था से नाम, मुझे मुझे बोलना पड़ा आपको इसलिए मुझे उतनी तमीज है जो मैं कहाँ हूँ उस जगह की गरिमा को पता है मुझे, और आप मुझे भोजपुरी सिखा रहे हो, अरे मैं सिखा नहीं रहा हूँ, हाँ आपको भोजपुरी का सेंटेंस निकालते हो आप, उसमें कौन सा मैंने किसी को गलत बोल दिया है कि हाँ तुम यहाँ चढ़ गए रहे, तुम वहाँ किया रहे, तुम वहाँ किया, अगर कोई आदमी अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है किसी से कि माई हमके नैहर बोला ले, तो वो क्या गलत कर दिया है, अरे क्या गलत कर दिया, तो ये सब लोग को बोलिए ना, एक मेरे पीछे पड़े, अरे यार तुमको ही प्रॉब्लम है, सबको कहाँ से बोलने जाऊँ, सब लोग जब स्टेज पे जाता हूँ तो उसी को तो बोलते हैं भैया ये गाना गाइए, अब क्या करूँ मैं, अब फेसबुक सोशल मीडिया देख, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसकी बात बोलो ना, मीडिया की माँ की आंख यार, ये तो सोशल मीडिया पे तो किसी को गाली लोग दे देते हैं, ये तो फ्री का चीज है, कुछ भी न्यूज बनाकर किसी को डाल देते हैं, और चैनल के पास आपके पास सब्सक्राइबर होते ना, और आपके पास दूसरी कोई बिजनेस होती भाई, तो आप लोग अच्छी बातें करते, आपके चैनल पे कौन सा आस्था चढ़ा है मुझे बताओ ना, प्रवचन चढ़ाए हो, सुनिए ना बेटी जन दिया कोख में, सुनिए अच्छा अच्छा, तो मैं भी तो किया हूँ ना, राम ना बिगड़ी होकर क्यों ना बिगाड़ी, उसको क्यों नहीं सुनते हो यार, मैं सुनता मैंने बोला है क्या ये गाने सुनो, मैं सुनता हूँ कहाँ बोलो नहीं सुनता हूँ, तो फिर क्यों नहीं बोले उसके बारे में यार, एकदम बोले आप तो दुल्हन गंगा पार का मेरा पोस्ट चेक कीजिए, हर दिन का अपडेट देखिए, मैं भड़का इसलिए, मुझे प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि आस्था के नाम पे किसी को बदनाम मत करो, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ यार, जगह पे उस जमीन की गरिमा को देखो यार, उस जगह की गरिमा को, जी आप जो ये बात बोल रहे हैं ना कि आप धरती पे जाकर और गंदगा नहीं गंदी नहीं सोचेगा यार, लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं ना आप पोस्ट देखिए आपके दुल्हन गंगा पार को, छोड़ो ना यार दुल्हन गंगा पार का, हटाओ ना यार, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं बात को, जो गलत है गलत, मैं जो किया हूँ उसको तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो, उसी को पकड़ रहा हूँ मैं, क्या पकड़े हो, आपका फिल्म का कलेक्शन, चार साल पहले का गाना लेकर तुम ड्रामा कर रहे हो, क्या अभी आप नहीं गाते हैं, क्या गाया हूँ मैं, ये भतार बचा हुआ कभी का गाना है, भतार बचा है वो कभी का गाना है, अभी कभी का गाना है, तुम बताओ ना मुझे भाई, ये दुल्हन गंगा पार का तीन साल पहले का गाना है, तो आप अभी नहीं गा रहे, ठीक है नहीं गा रहे, तीन साल पहले का गाना है मेरे भाई, मैं पहले भी गाता था लेकिन मरा का भी है, भातार नहीं है, तुम उसको असली अपने मुंह से बोल रहे हो मेरे भाई, खेसारी जी आप भी पहले थे ना, तो आपका जो स्टेज था पहले अलग था, क्या था मेरा स्टेज, बोलते होंगे ठीक है, क्या स्टेज, आपका बोलना गलत है, और आप जो बोलते हैं कि भोजपुरी के हम ही टावर है, मतलब कुछ आप भी थोड़ा सा ना लीक से हटते हैं, आप मिट्टी की बात करते हैं, खेसारी जी किसका बात करता हूँ मैं, आप मिट्टी की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे से ज्यादा मिट्टी में रहने वाला कोई हो तो मुझे बता दो, नहीं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी आप मतलब आप महल की बात करने लगे हैं, मैं महल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रिप से हट रहे हो, मैं मेरा गुस्सा मेरा मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ, नहीं वो बोल रहा है कि चैनल के पास काम नहीं है, और खेसारी लाल की उतनी पावर नहीं है जो उस जमीन पे जाके और कोई अश्लील बातें बोले, उतना गट्स खेसारी के पास नहीं है मेरे भाई,
ऐसे सब हो जाए तो फिर भोजपुरी हो जाएगी कि उस देवघर में जाकर नहीं तो आप मुझे छेड़ रहे हो कि मैं आपको कुछ बोलूँ ना राइट ना आपका गलत भी है भैया आप मुझे छेड़ रहे हो कि मैं आपको गलत बोलूँ लेकिन मैं नहीं बोलूंगा मैं आपको गलत क्या बोला हूँ कि आप आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर चला दूंगा वैसा नहीं 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 मैं वैसा तो नहीं यही तो आप गलत बोल रहे हैं आप लोग तो नहीं आप लोग फालतू में पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी करते हैं प्रॉब्लम तो ये आप भी जब दिल्ली एल्बम बनाते थे ना तो आपको भी लोग यही बोलते होंगे खुद से पैसे लगाकर मैंने एल्बम बनाया था आपसे चंदा नहीं लिया था तो आपको भी लोग यही बोलते थे नहीं मैं खुद से पैसे लगा के भाई लिट्टी चोखा बेच के आया हूँ मैं तो ठीक है तो मेरे गरीबी में आप नहीं मेरे गरीबी में आप नहीं थे उस समय तो आपने कुछ नहीं बोला कि भैया आपके पास पैसा नहीं है लीजिए ना कुछ बना लीजिए आज अगर ईश्वर ने और पब्लिक ने प्यार देकर मुझे यहाँ बैठाया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ये गलत बात है ना प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है प्रॉब्लम नहीं होता तो आप ऐसे एक आस्था को मेरे नाम से बदनाम नहीं करते आप ईश्वर साबित करना चाहते हैं और भी चैनल पे देखिए आपका आपको बार बार कह रहा हूँ ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता मेरे भाई ऐसा ईश्वर से मत तोड़ो यार उस आस्था को बदनाम अपने चैनल द्वारा मत करो मैं यही कहूंगा बस बाकी कुछ नहीं कहूंगा आपसे मैं क्या गाता हूँ पर्सनली आप मुझे जो बोलना है बोलो मुझे एक्सेप्ट है मैं कभी आपको कॉल करके नहीं बोलूं मैं नहीं हम लोग अगर डाल दिए तो गलत कर आपके बोलने से ना आपके बोलने से ना कुछ भी मेरे भाई मैं आपसे बोल गलत बात हो गया मेरा आपके बोलने से ना आपके जैसे हजारों लोग बोलते हैं मुझे कोई असर नहीं पड़ता आपने आस्था के नाम पे बोला इसलिए मुझे तकलीफ हुई कि उस आस्था को मेरे नाम से बदनाम मत करो आपको एटीट्यूड बदला हो गया है भगवान भगवान के दरबार को बदनाम मत करो अपने चैनल द्वारा आस्था को बदनाम मत करो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको मुझे पर्सनली जितना बोलना है बोल के दिखाओ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार आपके जैसे हजारों बोलते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है हाथी की तरह चलते रहता हूँ हाथी की तरह चलते रहता हूँ मैं ध्यान नहीं देता अच्छा। लेकिन तुमने आस्था के नाम पे मुझे बोला इसलिए मुझे तकलीफ हुई नहीं एटीट्यूड भी आ गया आपके अंदर अच्छा ये बताओ एटीट्यूड आ गया आपने देखा है मुझे कभी पर्सनली जानते हो आप मुझे एकदम नहीं आप बहुत अच्छे आदमी मिट्टी की बात करते तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली जानते हो मुझे भोजपुरी में हम है भोजपुरी हमसे टावर है टावर हटा दिया भोजपुरी